बिहार के दरभंगा में शनिवार को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुनावी सभा होने जा रही है। मोदी के चुनावी सभा से 48 घंटे पहले बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने दरभंगा में कैंप कर दिया है। संभावना जताई जा रही है कि अगले 4 दिनों तक तेजस्वी यादव दरभंगा में रहकर विभिन्न विधानसभाओं में जाकर चुनाव प्रचार अभियान करेंगे। वहीं राजनीतिक जानकारों का मानना है कि तेजस्वी यादव के मिथिलांचल में कैंप करना एनडीए के लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। देखिए, कल नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं, उनके हिसाब से तो एम्स दरभंगा में बन चुका है, तो कल एम्स का मुआयना करने जाएंगे दरभंगा में कि कितना बढ़िया अस्पताल चल रहा है, सबका इलाज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये 10 साल नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, इन्होंने केवल जो है लोगों को ठगने का काम किया है, केवल झूठ बोला है। और जब हम लोगों की 17 महीने की जब सरकार थी, तो हम लोगों ने एम्स के लिए नया जो है ज़मीन देने का काम किया, और साथ ही साथ जो DMCH जो है इसको विस्तार हम लोगों ने कराने का फैसला लिया, ताकि 2500 बेड का ये सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल हो जाए, उसी तर्ज पे जैसे PMCH जो है बढ़ रहा है। ये निर्णय जब हम स्वास्थ्य मंत्री थे तो उसी टाइम हम लोगों ने लेने का काम किया। पूर्व में जो भी सरकारें रही हमारे आने के पहले, हमेशा कन्फ्यूज़न बना रहा, और कभी भी पहले तो था कि भाई DMCH में एम्स को जगह दे दिया गया था, लेकिन ये हम लोगों की सोच थी कि भाई DMCH का अपना खुद का वजूद है, और इसके जो भी स्टूडेंट्स रहे हैं देश भर में प्रसिद्ध हैं, विदेशों में हैं, तो जो गौरव जो था DMCH का उसको हम लोग बचाने का काम करें, और DMCH का खुद का विस्तार करें और एम्स को अलग से जगह दे दें, ताकि पूरे दरभंगा एरिया का जो है विस्तार हो सके और विकास हो सके और लोगों को कन्वीनियंट हो सके। प्रभात खबर.com, विश्वास वही रफ्तार नहीं।